दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी साहित्य के छात्र प्रदीप सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने खुद को रॉ में सहायक निदेशक बताते हुए 5 से ज्यादा लोगों को ठगा और उनसे लाखों कमाए। इन लोगों से पैसा लिया और उनको रॉ के नाम पे नौकरी दिलाई है। रॉ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बाकी देश में किसी भी ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचना बड़ा आसान है। रॉ का ऑफिस ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो फिर रॉ तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। आरोप है कि पिछले साल सितंबर में नेगी चंडीगढ़ गया और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर उसने वहां 11 दिन तक मुफ्त की सरकारी गाड़ी, रिहाइश और दूसरी सुविधाएं उठाई। कुछ दिनों में वह पकड़ा गया, जेल हुई और जमानत पर रिहा होने के बाद उसने दिल्ली में अपने परिवार तक से कहा कि वह रॉ का एक बड़ा अधिकारी है। वह अपने कथित कर्मचारियों को मैच फिक्सिंग की जाँच के नाम पर आगरा भी ले गया और उनसे किसी न किसी बहाने पैसा वसूलता रहा। Tell them that since we can't visit the offices because of our secretive nature of job, so we'll go back. And then he took them on a conductor tour to the Agra. आरोपी का कहना है कि जब वह आईएएस पास नहीं कर सका तो एक-एक पैसा कमाने के लिए उसने ऐसा किया। फ्रॉड का ये मामला भले ही सुलझा लिया गया है, लेकिन ये सारा मामला युवाओं की बढ़ती हुई लालसाओं की भयानक तस्वीर को दिखाता है। वर्दी का नंदा, स्टार न्यूज़।